बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी इंटर बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपके विद्यालय महाविद्यालय के स्तर पे 10 से 20 जनवरी तक आयोजित होगा। अर्थात कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने के लिए आपको किसी दूसरे स्कूल कॉलेज में नहीं जाना है, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए होम सेंटर बनाया गया है। 10 से 20 जनवरी के बीच में आपको अपना जिस भी स्कूल कॉलेज में नामांकन है उसमें जाकर, वहाँ पर वो लोग रूटीन वगैरह आपके स्कूल कॉलेज जारी करता है कि इस तीन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा, तो उसमें जाकर आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना होगा। इंटर प्रैक्टिकल का एग्जाम जो आपके विद्यालय महाविद्यालय के स्तर पे 10 से 20 जनवरी तक आयोजित होगा, बकायदा उसके लिए आज अर्थात कि 20 दिसंबर के दिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जिसे आप 9 जनवरी तक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे कैसे मिलेगा आपको प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड। उससे पहले आइए मैं समझा दे रहा हूं कि प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड किस रूप में जारी किया गया है। यहां पे देखिए इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 का प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड इसी रूप में जारी किया गया। यहां पे सबसे पहले आपका लिखा रहेगा इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 का, यहां पे देखिए लिखा है प्रायोगिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र है एडमिट कार्ड फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। यहां पे आपका संकाय रहेगा किस संकाय से आप एग्जाम देने जा रहे हैं, और यहां पे आपका फोटो और सिग्नेचर रहेगा। यहां पे आपका यूनिक आईडी, आपके कॉलेज का नाम, यहां पे परीक्षार्थी का नाम, आपके माता का नाम, पिताजी का नाम, आपका आधार कार्ड, यहां पे आपका पंजीयन संख्या, दिव्यांग कोटि के परीक्षार्थी होंगे तो यस अन्यथा नो रहेगा, आपका कोटि क्या है, जैसे इस छात्र का प्राइवेट है तो प्राइवेट, आपका जो भी होगा प्राइवेट रेगुलर तो यहां पे दिया रहेगा, रोल कोड, रोल नंबर, आपका लिंग, और यहां पे देखिए परीक्षा केंद्र का नाम है। तो प्रैक्टिकल का होम सेंटर ही बनाया गया, तो यहां पे देखिए इस छात्र का जिस कॉलेज में नामांकन है वही यहां पे आपका परीक्षा केंद्र के नाम में दिया गया, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड यहां पे देखिए लिखा गया एडमिट कार्ड फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो ये एडमिट कार्ड का बस सिर्फ इतना ही महत्व होता है कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम इसके आधार पे दे पाए। हां बस आपका रोल नंबर यहां से मालूम चल जाएगा, यही रोल नंबर आपका रहेगा सैद्धांतिक विषय में भी, ठीक है। तो यहां पे बस प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद इस एडमिट कार्ड का कोई महत्व नहीं रहता है। तो यहां पे आपने देखा कि होम सेंटर बनाया गया है, फिर यहां पे आपका प्रायोगिक विषय में विषय कोड रहेगा, और जिस विषय में आपका प्रैक्टिकल होगा उसका 10 से 20 जनवरी के बीच में आपका स्कूल में एग्जाम होगा, विषय का यहां पे नाम है। जैसे इस छात्रा का सिर्फ ज्योग्राफी विषय में प्रैक्टिकल है तो ज्योग्राफी है, आपका मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों सब्जेक्ट यहां पे दिया रहेगा, ठीक है। और ये एडमिट कार्ड भले ही आप खुद से आगे अगर लिंक मिलता है, आगे हम लोग चेक करेंगे लिंक दिया गया है कि नहीं, तो अगर लिंक मिलेगा तो आप खुद से डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसको ओरिजिनल तभी समझा जाएगा जब जाकर आपको अपने विद्यालय महाविद्यालय से प्राप्त करेंगे और यहां पे आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर और मुहर रहेगा, तभी इसे ओरिजिनल समझा जाएगा। अब यहां पे देखिए फिर यहां पे एक और एडमिट कार्ड है, सेम उसी तरह आपका पूरा डिटेल है, और इस छात्र का भी देखिए यहां पे इसका जिस भी स्कूल कॉलेज में नामांकन है वहीं इसका होम सेंटर बनाया गया है, ठीक है, पूरा यहां पे डिटेल है। और नीचे यहां पे सब्जेक्ट में बता दिया गया कि इस छात्र का जैसे कॉमर्स का है तो कॉमर्स का ईपीएस का इसका प्रैक्टिकल का एग्जाम है, आपका भी जिस विषय का प्रैक्टिकल होगा यहां पे पूरा लिस्ट रहेगा, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जारी किया गया आपका एडमिट कार्ड है। चलिए अब देखते हैं आपको लिंक वगैरह दिया गया है कि नहीं डाउनलोड करने का। बिहार बोर्ड के इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के प्रैक्टिकल परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए, और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, यहां पे स्पेलिंग देख लीजिएगा बिल्कुल सही से आपको यही स्पेलिंग टाइप करना है और सर्च कर देना है, स्पेलिंग ऐसे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा, जैसे ही टाइप करके सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। सबसे ऊपर देखिए arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो देखिए यहां पे एडमिट कार्ड का सेक्शन आपको मिल जाएगा, सबसे ऊपर देख लीजिए एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड में यहां पे लिखा गया है बिहार बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड 2024, देख लीजिए एडमिट कार्ड में सबसे ऊपर है प्रैक्टिकल, क्योंकि आज ही जारी हुआ है, तो प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड 2024, तो एडमिट कार्ड वाला सेक्शन में आइएगा, पढ़ लीजिएगा कहां पे लिखा है बिहार बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड 2024, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी, यहां पे ऑफिशियल अपडेट भी अपडेट किया गया कि आपको 20/12 के दिन आज जारी हुआ है, 9/1 तक इसे आप प्राप्त कर सकते हैं, पूरा जानकारी है। प्रैक्टिकल का एग्जाम कब से कब तक होगा वो भी यहां पे अपडेट किया गया है, देख लीजिए। फिर यहां पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सभी जानकारी आप पढ़ सकते हैं कि एग्जाम सेंटर प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या होता है, पूरा यहां पे जानकारी है, ठीक है। यहां पे डेट वगैरह भी आपको अपडेट देखने को मिल जाता है, यहां से इंटर बोर्ड एग्जाम का रूटीन वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहां से पूरा जानकारी पढ़ लीजिएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा तो प्रैक्टिकल एग्जाम के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का यहां पे लिंक दिया गया है, लिंक 1 और लिंक 2। चलिए देखते हैं कि बिहार बोर्ड कोई आपको लिंक दिया है कि नहीं विद्यार्थियों को डाउनलोड करने का, आपको भी यहां पर आकर क्लिक करके चेक करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड हो सकता है अगर आपको डाउनलोड करने का लिंक दे तो आज शाम तक भी दे सकता है। जैसे देखिए मैंने आपके सामने फिर से चेक क्लिक कर दे रहा हूं, यहां पर मैंने लिंक 1 पे क्लिक किया,
अब यहाँ पे देखिए सभी लिंक आएगा, जैसे अभी देखिए यहाँ पे क्लिक हियर फॉर डाउनलोड डमी एडमिट कार्ड, इसी तरह अगर आपको प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा तो यहाँ पे लिखा आएगा क्लिक हियर फॉर डाउनलोड प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड का जो ऊपर लिंक आएगा तो वहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाएंगे। अभी देखिए कोई भी लिंक यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो यहाँ से चेक करना पड़ेगा। अगर आगे आपको लिंक मिलता है तो लिंक वन पे क्लिक करके या लिंक दो पे भी आप क्लिक करके, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हमने लिंक दो पे क्लिक किया, थोड़ा सा समय लेगा। ऐसे देखिए आपको क्या करना है कि आज शाम तक मतलब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर लिंक नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तभी आप सिर्फ देख पाएंगे कि हाँ आपका एडमिट कार्ड इस रूप में डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम चल गया कि हाँ आपका रोल नंबर अपना देख पाएंगे। और एग्जाम सेंटर तो आपका एग्जाम सेंटर तो होम सेंटर ही बनाया गया, बट ओरिजिनल इस एडमिट कार्ड को तभी समझा जाएगा जो मैं शुरू में दिखाया कि आप इसको अपने विद्यालय महाविद्यालय से जाकर प्राप्त करेंगे, वहां पे आपके प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर मुहर होगा तभी ये ओरिजिनल होगा, इसके आधार पे आप प्रैक्टिकल एग्जाम में सम्मिलित हो पाएंगे। अब यहां पे भी चेक कर लीजिएगा, लिंक दो पे मैंने क्लिक किया तो यहां पे देखिए कहीं पे भी नहीं दिया गया है कि आपके प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड का भी लिंक एक्टिव नहीं किया गया, ठीक है, क्योंकि आज ही जारी होने वाला है। तो मान लीजिए 31 तक हम लोग चेक करें तो अभी तक कोई भी लिंक यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड का लिंक है, लिंक वन और लिंक दो, जब भी समय मिले तो यहाँ से सभी जानकारी पढ़ के और लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ऐसे आपको प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आपके विद्यालय महाविद्यालय में कल से वितरण की शुरुआत होगा। अभी आज वहां पे भी लिंक एक्टिव थोड़ा सा शाम तक होता है, बिहार बोर्ड का सर्वर डाउन रहता है, तो स्कूल कॉलेज भी आज डाउनलोड कर लेंगे शाम तक, तो कल से उन लोग भी वितरित करेंगे, 9 जनवरी तक इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर ले तो बिहार बोर्ड के इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन आपके होम सेंटर अर्थात की जहां पे आपका नामांकन है उसी स्कूल कॉलेज में 10 से 20 जनवरी तक होगा। उसके लिए आज प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी किया है। प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए वैध होता है, लेकिन उस पर जो रोल नंबर रहेगा वो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम अर्थात जो आपका सैद्धांतिक विषय की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हो रहा है उसमें भी मान्य होगा। तो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड की पूरी जानकारी ARKIRIFMY.com वेबसाइट के एडमिट कार्ड वाले सेक्शन की पोस्ट जाकर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिंक भी है, तो लिंक से आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि आपको डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है कि नहीं। अगर लिंक मिलता भी है तो आप खुद से सिर्फ डाउनलोड करके अपना सेंटर और अपना रोल नंबर वगैरह देख पाएंगे, लेकिन ओरिजिनल तभी कहा जाएगा जब वो आप जाकर अपने विद्यालय महाविद्यालय से प्राप्त करेंगे। और विद्यालय महाविद्यालय में कल से लेकर 9 जनवरी तक वितरण की शुरुआत होगा, तो कल से लेकर 9 के बीच में कभी भी जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्त करने के बाद आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड पे आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर और मुहर होना चाहिए, तभी उसके आधार पर आपको एग्जाम में सम्मिलित होने दिया जाएगा। तो बाकी जानकारी यहां से आकर पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।